हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब खाटू श्याम जी खुल चुका है जैसे कि न्यूज़ मुझे मिली है। तो अभी हम लोग कल खाटू श्याम जी निकलेंगे। अब मेरा एक फ्रेंड आ रहा है गुजरात से उसके साथ, और हम लोग देख करके आते हैं कि एक्चुअली अभी रिनोवेशन में हुआ क्या है। लोग कहते हैं कि पहले खाटू श्याम जी के दर्शन में घंटों के घंटों लग जाते थे, मगर अब घंटे लगते ही नहीं है। मतलब कुछ सेकंडों में, 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगते हैं जब मेन द्वार पे आप पहुंचते हो, नहीं तो पहले तो 1 घंटा लग जाता था, इतनी भीड़ होती थी। तो चलो देख करके आते हैं इस बार क्या चेंजेस हुए हैं खाटू श्याम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग खाटू श्याम जी के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ से लमसम मेरे को 15 से 20 मिनट लगेगा, और ये कंटिन्यूस रहेगा वीडियो। तो मैं आप लोगों को पाथ दिखाऊंगा कैसे लोग श्रद्धालु यहाँ पे खाटू श्याम जी आते हैं। और पिछली बार मैं आया था अपने एक फ्रेंड योगेश जी के साथ जो पुलिस में है, और अभी खाटू श्याम जी के जो 14 मतलब जो न्यू रेनोवेशन हुई है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग खाटू श्याम जी जाने के लिए हाथ में झंडा लेकर के चल रहे हैं। बहुत पहले ही लगा दी गई, तो पहले हम लोग काफी एग्जैक्ट टोटल किलोमीटर हमको पड़ा, हम लोग 3820 पे निकले, 21 पे ही निकले थे, और ये हमारा 3941 किलोमीटर पड़ा है। फ्रेंड्स, अभी ये नया ट्रेंड हो गया है, ये पार्किंग है, और अब हम लोग जाएंगे ऑटो से। ये हमने ई रिक्शा कर लिए, मैं और भैया ई रिक्शा पे बैठेंगे और अब ई रिक्शा से जाएंगे। चलिए भैया। बन रही है भैया, आप चलाते रहो। कौन सा द्वार कहते हैं इसको? ओके, थोरन द्वार। हम लोग आ गए थोरन द्वार। एकदम हम लोग मेन एंट्रेंस के पास आ जाएंगे। ये रिनोवेशन के बाद है कि हम लोग पहले वहां से आते थे, उस एरिया से, उस जगह से, अब हम लोग इधर से आ रहे हैं ई रिक्शा के थ्रू। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जिट है, और एंट्रेंस इस तरफ से जाके आगे से। बगल से जाना है।
अरे फोटो भी ना खींचने दे रहे बिल्कुल ही बढ़िया कर रहे फोटो खींचने के बाद फिर होगा 10 सेकंड का रोकने दे रहे हैं गलत है 7 सेकंड के लेसन है 7 सेकंड में अब भीड़ बढ़ती जा रही है ना अब हम लोग आ गए यहाँ से आगे जाके राइट होना है ना दूर दूर से लोग आ रहे हैं हाँ बड़ा कर दिया इस रोड को पिछली बार आया था ना पिछले साल तो इस रोड का काम चल रहा था गिट्टियाँ थी वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे मेन एंट्रेंस ये है आफ्टर रिनोवेशन आप लोग देख सकते हैं पहले ये लाइंस घूम घूम के थी अब ये सीधी हो गई है अब आप ऐसे जा सकते हैं दैट वाज द मेन एंट्रेंस और ये टोटल मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक बीच की बड़ी सी लाइन 14 पहुँच गए बस अब मेन एंट्रेंस पे और इधर देख सकते हैं क्या लाइन में भीड़ है आफ्टर रिनोवेशन ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मतलब बहुत ही अच्छा बना दिया इन लोगों ने और सीसीटीवी कैमरा सारी सिक्योरिटी पर्पस बहुत बढ़िया बना दिया है पहले इसकी फैसिलिटी नहीं थी पहले हम लोग इस साइड से आते थे और अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं खाटू श्याम जी में जय श्री श्याम यहाँ से एंट्रेंस है और इधर से नीचे से एग्जिट है हाँ
श्याम, जय श्री 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 श्याम, पीछे से एंट्रेंस आ रहे हैं हम लोग और ये एग्जिट हो गया। लगा दिया। अब हम लोग सीधा सीधा ये निकल रहे हैं। पहले जो हम लोग को काफी टाइम लगता था अब वो टाइम नहीं लगता है। अब सीधा आओ, अब सीधा आओ, सीधा जाओ। चले एग्जिट है ये क्या अब बैक टू हम लोग ई रिक्शा पकड़ने जा रहे हैं ताकि हम लोग अपने कार के पास जा सके जो सरकारी स्टैंड है, बस स्टैंड नहीं जहाँ कार खड़ी है हमारी पार्किंग। हाँ पार्किंग। कितना लोगे? दो ही सवारी है। हैं 80 रुपए? कंफर्म 80 रुपए? अब ई रिक्शा से रूट जो है ना थोड़ा बदल गया है, गली गली होकर के जाते हैं और इस तरीके काफी मजा भी आता है, मजा भी आ रहा है। देखिए काफी गली गली होकर के जा रहे हैं हम लोग और ई रिक्शा वाले भैया एक दूसरे से लड़ रहे हैं 20 रुपए के चक्कर में। भैया इधर रुकना द्वार के पास, ठीक है? भैया आज तो आपने लगा दिया हमारी लंका। थोड़ी देर रुकना भी है ना, थोड़ी देर बस तो
मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई करता ही नहीं है पता नहीं क्यों, जबकि मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ अपने सारे गेस्टों के लिए, जयपुर आने वाले टूरिस्ट के लिए, और जो कि आप अपने कम समय में कैसे सारे टूरिस्ट स्पॉट को कवर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ अपने वीडियोज में। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।